नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आज आप लोगों के साथ जो है झारखंड में पंचायती राज के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लो ये बहुत ही इजी टॉपिक है, इससे इजी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जितना मैं बता दिया हूँ आज, बस उस सारे फैक्ट को रट के चले जाना, बस उससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगी। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोगों को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि आपको जो एक वीडियो मैंने दिया था पंचायती राज का वीडियो, ठीक है, उसमें एक सिली सी मिस्टेक हो गई थी भाई। अब उसे बवंडर मिस्टेक भी आप लोग बोल सकते हो या सिली मिस्टेक भी बोल सकते हो। एक्चुअली हुआ क्या कि जल्दबाजी में मैंने जो बोल दिया था, जो सबसे पहला जो पंचायती राज को एक्सेप्ट या फिर बोल सकते हो लागू जहाँ किया गया था, राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में जो वहाँ पे लागू किया गया था, 2 अक्टूबर 1859 मैंने लिख दिया था। ठीक है, अब वहाँ पर क्या गलती हो गई कि 1859 ना होकर 1959 होना था। तो ये 8 को आप लोग ना भैया 9 कर लेना, इसके लिए आपने हो हड़प्पा मचा रखा था कमेंट सेक्शन में। मैंने एक एक के कमेंट में जाकर एक एक को रिप्लाई किया है, क्योंकि देखो गलती इंसान से हो जाती है। ठीक है, मेरा कोई मकसद नहीं था आपको गलत बताना। अब जल्दबाजी में वहाँ 18 लिखा गया तो मैं कुछ नहीं कर सकता। वीडियो भी बन गई, वीडियो भी डल गई तो, और इतने लोग ने देख लिया था और काफ़ी लोग अभी देखते भी, तो फिर तो डिलीट करना पॉसिबल नहीं था। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसको 1959 कहने के लिए बता दिया था, पिन कमेंट कर दिया था। देखो भाई, उसके बाद PDF भी जो मैंने दिया अपना फेसबुक में, वहाँ पे भी अपडेट कर दिया है। और जितने लोग ने कमेंट किया है 1859 नहीं होगा 1959 होगा, तो उसको भी मैंने रिप्लाई किया है। अब कल रात में हुआ क्या, एक कमेंट आता है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। ठीक है, देखो नाम जो था उनका, नाम से मुझे लग रहा था कि वो फीमेल है। ठीक है, बट पता नहीं वो फीमेल है या मेल, उससे मैटर नहीं करता। लेकिन अब देखो क्या करते हैं ये लोग कि कमेंट करके मुझे बता रहे हैं कि अब आपने जो 1859 लिखा है, आपको पता है कि आप जिंदगी किसी सभी लोगों के ज़िंदगी से खेल रहे हो। भैया आप एक बात बताओ, मैं क्यों खेलूं किसी की ज़िंदगी से? अगर ऐसा मकसद होता तो मैं वीडियो ही क्यों बनाता, इतना टाइम मेरे पास भी नहीं है फालतू का। फिर भी मैं वीडियो बनाकर दे रहा हूँ कि जो चीज़ मेरे पास हो वो आपके पास एटलीस्ट जा सके। ठीक है, किसी भी फॉर्म में जाए। अब मैंने क्या किया था कि 1959 सारे जगह मैंने आपको बता रखा, डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट PDF में, और सारे को रिप्लाई भी कर रखा है। अब वो बंदा क्या करता है या फिर बंदी क्या करती है कि बोलते हैं कि आप जो है ना गलत चीज़ें ना बताओ। मैं गलत चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, अब वहाँ सिली मिस्टेक मैंने तो बोल रखा है कि सिली मिस्टेक इंसान से गलती हो जाती है, और मैं क्यों किसी के गलत न्यूज़ बताऊँगा, इससे तो मेरा ही लॉस है ना। तो फिर अब क्या होता है कि जब मैंने उनको रिप्लाई दिया कि कमेंट PDF और डिस्क्रिप्शन सारे जगह मैंने ये चीज़ें बता रखी है कि 1959 होगा, उसके बाद वो क्या करते हैं कि अपना कमेंट को डिलीट कर देते हैं। मतलब इस तरह के लोग हैं, सोच लीजिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आज भी झारखंड पंचायती राज पढ़ रहे हो तो हो सकता है कि कुछ डाटा मिस्टेक से हो जाए, कोशिश करता हूँ कि ना हो। लेकिन आप इस टॉपिक को पढ़ने के बाद एक बुक तो ज़रूर ही पढ़ोगे ना, तो उस बुक को पढ़ते हो तो उस वहाँ पर आप अपना मिस्टेक को सही कर लेना कुछ गलत हो। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कमेंट करके मुझे सजेशन मत दीजिए या इम्प्रूवमेंट करने के लिए मत बोलिए, बिल्कुल दीजिए। लेकिन एक जो तरीका होता है, बहुत से लोगों ने बोला था तो मैंने उसके बारे तो कुछ नहीं बोला, लेकिन कल रात में इतना अजीब बोल रहा हूँ ना कि कमेंट आया था, क्या बोलूँ। ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि झारखंड में पंचायती राज को जो लागू किया गया था उसका ईयर आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, जो झारखंड में पंचायती राज को जो स्वीकृति मिली थी 2001 में मिली थी, 23 अप्रैल 2001 को मिली थी। ठीक है, इसको रट जाओ, 23 अप्रैल 2001 को जो है झारखंड पंचायती राज का जो बिल पास किया गया था झारखंड में, और इस टाइम जो गवर्नर थे जो इस बिल पर जिनका साइन था, कौन से गवर्नर का, प्रभात कुमार। ठीक है, झारखंड के जो गवर्नर थे उस टाइम प्रभात कुमार जी थे। 23 अप्रैल 2001 को यहाँ पे स्वीकृति मिल गई थी झारखंड पंचायती राज को। मैंने पिछले वीडियो में बताया था पंचायती राज 3 टायर्स और 2 टायर्स का कंसेप्ट। ठीक है, इसको वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को जरूर देखना, उसका लिंक मैंने दे रखा है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, देखो 3 टायर जो मैंने कंसेप्ट जो आपको बताया गया था कि यहाँ पे बलवंत राय जो मेहता कमेटी थी उन्होंने अपना 3 टायर का कंसेप्ट दिया था। एक जो आपका था जिला परिषद, एक पंचायत था और एक ग्राम पंचायत। ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था आपका जिला परिषद, ब्लॉक लेवल पे जो था पंचायत, और ग्राम पंचायत जो था आपका ग्राम के लेवल पे। देखो अब यहाँ पे बात क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएगी कि झारखंड में कौन सा पंचायती राज सिस्टम को एक्सेप्ट किया गया, तो 3 टायर को एक्सेप्ट किया गया, 2 टायर को एक्सेप्ट नहीं किया गया। कभी भी टिक करके मत आना 2 टायर, 3 टायर को एक्सेप्ट किया गया था। 3 टायर में देखो सबसे ऊपर लेवल पे जो आता है जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है, सबसे उसके बीच में या फिर बात करें उससे जो नीचे आएगा पंचायत समिति या जो ब्लॉक लेवल पे बनती है, और ग्राम पंचायत जो विलेज लेवल बनती है जो सबसे नीचे बनती है वो होता है आपका ग्राम पंचायत। ठीक है, तो झारखंड में इस तरह से पंचायती राजें चलती है। तो अब बात करते हैं यहाँ से क्वेश्चन और क्या क्या पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया जो कब लागू हुआ या स्वीकृति कब मिली थी, 2001 में 23 अप्रैल, गवर्नर कौन थे, प्रभात कुमार का सिग्नेचर मिला था, झारखंड में पंचायती राज विधेयक के लिए यानी बिल पास किया गया। तो कौन सा कंसेप्ट है यहाँ पे, 3 टायर का कंसेप्ट चलता है झारखंड में।
जिला परिषद, देखो जिला परिषद से स्टार्ट करते हैं, क्या क्या क्वेश्चन जिला परिषद से पूछा जाएगा इसको पहले ध्यान देते चलना। देखो जिला परिषद की जो स्थापना होती है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, पहले ये जान लो, जिला स्तर पे होती है। जो यहाँ पे इस पॉइंट को अभी छोड़, इस पॉइंट पे आते हैं हम लोग। जिला परिषद का प्रधान क्या कहलाता है? अध्यक्ष कहलाता है, याद कर लो। जिला परिषद का प्रधान क्या होता है? अध्यक्ष कहलाता है। अध्यक्ष के जो कार्यों में मदद करता है उसे क्या कहते हैं? उपाध्यक्ष कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछ बन जाएगा कि जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष क्या होता है? चुनाव होकर के वे आते हैं। ठीक है, चुनाव इनका होता है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जिला परिषद का पदेन सचिव कौन होता है? तो उप विकास आयुक्त तो जो होते हैं, ठीक है, डिप्यूटी डेवलपमेंट कमीशन जो होते हैं, इनके जिला परिषद का पदेन सचिव होते हैं। जिला परिषद की स्थापना जो स्टार्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये मैंने बता दिया है। अब जिला परिषद के सदस्य कौन कौन होते हैं? तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो मैंने बताया, जिला परिषद का प्रधान जो होता है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष ये उनके मेंबर होते हैं। पदेन सचिव मैंने जो बताया, उप विकास आयुक्त होते हैं। जिला के जो विधायक होते हैं, जो विधानसभा के मेंबर होते हैं, विधायक क्या होते हैं? जो विधानसभा के मेंबर होते हैं उन्हें कहा जाता है। और जिला क्षेत्र से जो निर्वाचित सांसद, जो लोकसभा राज्यसभा के मेंबर होते हैं, वे सभी जो होते हैं जिला परिषद के मेंबर होते हैं। ठीक है, अब जो मैंने बताया अध्यक्ष उपाध्यक्ष का जो चुनाव होता है, कितने जनसंख्या होनी चाहिए उस जिला में, कम से एक, कितने जनसंख्या पे एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होती है, वो 50,000 होता है। ठीक है, 50,000 वहाँ के एक मतलब कि जनसंख्या होनी चाहिए, तो ये डाटा आप याद रखना, 50,000। ठीक, अब बात करते हैं पंचायत सचिव, सॉरी पंचायत समिति की। ठीक है, पंचायत समिति से क्या क्या आपकी चीज़ें आ सकती है? तो पहला क्वेश्चन जो बनेगा, पंचायत समिति की स्थापना जो होती है ब्लॉक लेवल पे होती है। पहला क्वेश्चन यही बन जाएगा कि पंचायत समिति की स्थापना किस लेवल पे? जिला लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, ग्राम लेवल पे, किस लेवल? तो ब्लॉक लेवल पे। ठीक है, प्रखंड लेवल पे। नेक्स्ट बात करते हैं पंचायत समिति भी एक ब्लॉक। देखो अब पंचायत समिति में जो आपका प्रधान बनता है, ठीक है, जो प्रधान जो बनता है उसे क्या कहते हैं? प्रमुख कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या बताया? अध्यक्ष बताया है और उपाध्यक्ष बताया, उसकी जो मदद करता है। लेकिन पंचायत समिति का जो प्रधान होता है उसे प्रमुख कहते हैं, और प्रधान की जो सहायता करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उप प्रमुख कहते हैं। ठीक है, तो इनका जो जो इनका भी देखो क्या होता है, जो कार्यकाल होता है इनका 5 साल तक इनका कार्यकाल होता है, इनका भी चुनाव होता है। तो इनका जो चुनाव होता है, इनके लिए कितना जनसंख्या चाहिए उस ब्लॉक में? तो 5,000 जनसंख्या चाहिए, याद रखना ये डाटा। ठीक है, इनका जो कार्यकाल मैंने बता दिया 5 वर्ष होता है। और पंचायत समिति का जो पदेन सचिव होता है वो क्या कहलाता है? जो प्रखंड विकास पदाधिकारी कहलाता है। ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहलाता है। पंचायत समिति का पदेन सचिव क्या कहलाता है? प्रखंड विकास पदाधिकारी। ठीक है, इतना चीज़ आप याद रखना पंचायत समिति में। नेक्स्ट लास्ट और ग्राम पंचायत की बात करते हैं, तो ग्राम पंचायत की जो स्थापना क्या होती है? विलेज लेवल पे होती है ये। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ग्राम पंचायत की जो प्रमुख होती है उसे हम क्या कहते हैं? वो मुखिया कहलाता है। ठीक है, मुखिया कहलाता है। मुखिया के कार्यों के मदद के लिए जो एक क्या होता है? उप मुखिया होता है। ठीक है, उसकी जो मदद करता है हम लोग उसे क्या कहते हैं? उप मुखिया कहते हैं। और इनका कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है, ये याद रखना, मुखिया कहलाता है और उसकी उप मुखिया कहते हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ग्राम पंचायत का जो पदेन सचिव होता है वो क्या कहलाता है? पंचायत सचिव, सॉरी पंचायत सेवक कहलाता है। ग्राम पंचायत का जो पदेन सचिव होता है वो क्या कहलाता है? पंचायत सेवक कहलाता है। और 500 की आबादी पर एक ग्राम पंचायत के सदस्य का चुनाव होता है, मतलब इसके लिए कितना जनसंख्या चाहिए? 500। ठीक है, इसके लिए तभी आपका एक मुखिया और एक उसकी जो हेल्प करते हैं उसे उपमुखिया के चुनाव होता है। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं छूट गया मेरा बताना, यहाँ पे कि पंचायत समिति का मेंबर पूछ लिया जाए सदस्य कौन कौन से होता है, तो मैंने क्या बताया कि एक तो आपका ये हो जाएगा प्रमुख, अप्रमुख 5,000 जनसंख्या में चुने जाते हैं। उसके बाद सेम चीज़ वही होगा, उस जो प्रखंड के जो मुखिया उप मुखिया मैंने बता दिया, ये मुखिया उप मुखिया प्रमुख जो होंगे मेंबर होंगे, और क्या होंगे? जो उस ब्लॉक के जो भी विधायक होंगे, ठीक, उस जो ब्लॉक के जो भी विधायक और उस ब्लॉक के जो भी सांसद, वो सभी मेंबर होते हैं। ठीक है, पंचायत समिति के सेम। ठीक, अब ग्राम पंचायत के जो भी मेंबर होता है, बस ग्राम पंचायत का जो मेंबर होता है आपका मुखिया और उप मुखिया जो होता है मेंबर होता है ग्राम पंचायत का। ठीक है, तो पंचायत समिति का मुखिया मेंबर और ग्राम पंचायत का मेंबर और जिला परिषद का मेंबर आपको मैंने बता दिया। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर याद करके जानी होगी झारखंड की पंचायती राज से जो चीज़ें बन सकती है क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना। एक पंचवर्षीय योजना आपका बचा हुआ अभी, और एक आज मैं आपको फिर से टेस्ट लूँगा। ठीक है, उसका सॉल्यूशन भी मुझे आज देना है। ठीक है, ठीक है, या तो फिर टेस्ट का सॉल्यूशन दूंगा या फिर पंचवर्षीय योजना, कुछ भी देखता हूँ। ठीक, चलो फिर, ठीक है, अभी थैंक यू।